नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पचधारी खिचड़ा। पर दाल चावल की खिचड़ी तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये पचधारी खिचड़ा खाने में स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। तो पचधारी खिचड़ा के लिए मैंने ये तुअर की दाल को अच्छे 3-4 पानी से धो के और इसको पानी में भिगा के रख दिया था, तो ये अच्छी फूल गई है। ये मैंने 2 चम्मच ली है और ये 2 चम्मच मैंने चने की दाल ली है और 2 चम्मच मैंने ये हरी मूंग की दाल ली है और ये मैंने जो चावल लिए हैं ये 3 चम्मच लिए हैं और ये हरी मिर्च है, ये घी है और ये शिमला मिर्च है, ये शक्कर है, ये नींबू है और ये हरा धनिया है और ये जो मैंने 3 चम्मच ये 3 चम्मच दलिया लिया है, इसको हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये दलिया को हम मैंने गैस ऑन कर दिया है और आंच को मध्यम रखा है, मीडियम आंच पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये हल्का सुनहरा हो जाएगा इसके बाद हम इस गैस को बंद कर देंगे। हमेशा दलिया जब भी बनाएं तो इसको दलिया को ड्राई रोस्ट करके और फिर आप बनाएंगे तो दलिया बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम 2-3 मिनट इसको लगातार सेकेंगे। ये दलिया सिक गई है और मैंने इसको थाली में निकाल लिया है क्योंकि कढ़ाई में अगर रहने देते तो वो जल जाती है। अब मैंने ये कुकर लिया है, अब इसमें ये मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम ये सब दालों को एक जगह कर लेते हैं। ये तुअर की दाल है और ये चने की दाल को मैंने मिला दिया इसी के अंदर, ये मिला दिया और इसको भी मिला देती हूँ। इसको भी मिला दिया मैंने। ये चावल को भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। ये जो खिचड़ा है, पचधारी खिचड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो हमेशा बरसात के दिनों में हम पचधारी खिचड़ा ही ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये हेल्दी रहता है और पाचन में भी अच्छा रहता है ये, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये मैंने ये एक कटोरा भर के ये पूरा अनाज है 5 तरह का, तो इसमें एक कटोरा है तो इसमें 2 कटोरा पानी डलेगा। अभी हमारा घी गर्म हो गया है, हम इसको नीचे उतार लेते हैं और इसको नीचे उतार कर और फिर अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने 2 ये काली मिर्ची और 1 लौंग ली है और ये राई डाल रही हूँ इसमें। ये राई डाल दी मैंने और ये जीरा डाल दिया, 1 चम्मच जीरा डाला है और 2 चम्मच राई डाली है क्योंकि राई ज़्यादा डालना चाहिए, और ये हरी मिर्च डाल दी मैंने और ये थोड़ी कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी आधी। अब इसको वापस गैस पे चलाएंगे, उनको अच्छे से हिला देती हूँ। अब ये थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। अब इसमें ये मैंने ये सब पूरे जो दालें हैं और चावल है ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब ये जो मैंने दलिया सेक के रखा है ये भी डाल देती हूँ। इस तरह से पचधारी खिचड़ा आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है।
आंच को मैंने अभी धीमा रखा है, अब तेज करके फिर इसमें पानी डालूंगी। अब मैंने इसमें 2 कटोरा पानी डाल दिया है और इसमें अब थोड़ी सी ये 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप डायबिटीज है आपको तो आप शक्कर स्किप कर सकते हैं और शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और 1 नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। ये पचेधारी खिचड़ा बोलते हैं और मेरे यहाँ तो अक्सर यही बनता है। दाल चावल की खिचड़ी कम खाते बच्चे और ये ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और 3 तरह की दाल रहती है, चावल रहते हैं और दलिया रहता है। आप चाहे तो और भी दूसरे अनाज डाल सकते हैं पर मैं ये इतने ही अनाज डालती हूँ। और अब हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे, एक बार हिला देते हैं इसको, अच्छे से हिला देते हैं और ढक्कन बंद करके अब सीटी लेंगे। इसमें अब थोड़ा सा ये कटा हुआ धनिया भी डाल देती हूँ और बाद में फिर ऊपर से भी डाल दूँगी। ये डाल दिया, अब ये हमारा खिचड़ा राइस तैयार है। ये जो पचधारी खिचड़ा है ये तैयार है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल के वापस से तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम ये धनिया, हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए। और अब इसको इसमें मिला लेते हैं अच्छे से। इसमें प्रोटीन भी भरपूर है, फाइबर भी है और इससे भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगा आपको। और अगर आप डाइट कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं तो इस तरह का खिचड़ा बना के खाइए तो आपको बहुत फायदा होगा। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो मक्खन से या उससे बघा सकते हैं। वैसे ये घी वाली खिचड़ी, घी और मक्खन वाली खिचड़ी अच्छी लगती है ये, तो मेरे यहाँ तो घी से ही बघारा जाता है। अब ये घी अच्छा गर्म हो गया है, मैं इसमें 3-4 काली मिर्ची, लौंग डाल रही हूँ और ये आधी दालचीनी डाल रही हूँ इसमें। और ये तेज पत्र डाल दिया मैंने इसमें और थोड़ी सी राई डाली। मैंने गैस बंद कर दिए, अब इसमें जीरा डाल दिया है और ये जो शिमला मिर्च बचाई थी ये डाल रहे हैं। ये ऊपर से भी शिमला मिर्च डाल के खाने में इसमें तड़के में डालेंगे और फिर हम इसमें तड़का में इसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। अब थोड़ी शिमला मिर्च थोड़ी सी पक जाएगी, इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे। मैंने वापस गैस जला दी है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घी गर्म हो जाता है तो वो तड़का पूरा जल जाता है, तो वो जला हुआ तड़का अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसको थोड़ी देर हिला देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा अदरक किसके डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा अदरक किस लिया मैंने। अदरक से इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है और सर्दी जुकाम भी नहीं होता। और इसमें जो तड़का लगाते हैं इसमें जो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने अभी खड़ा मसाला ही डाला है। तो लौंग
नींबू और काली मिर्ची और तेज पत्ते से इसका बघार मैंने डाला है। अभी हमारा अच्छे से तड़का तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर देती हूँ। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए हमारी पचधारी खिचड़ी तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अब इसको सर्व किस तरह से करना है वो भी आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा घी लगा हुआ है तो इसको इसमें मिला के और ये घी पूरा निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिया मैंने। अब सर्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको अब इस तरह से सर्व करिए, एक तरफ से ये इस तरह से, और आपको अगर नींबू कम लगे तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी खिचड़ा, ये पचधारी खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक तरफ से निकालिए तो ये इस तरह से हम सर्व करके और ये नींबू रख दीजिए। तो यदि आपको मेरा ये पचधारी खिचड़ा का वीडियो पसंद आया हो, पचधारी खिचड़ा का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।